हापुड़ में दीपावली से पहले ही टूटा रिकॉर्ड 400 के करीब पहुंचा AQI। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। ज़िले में प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। दिवाली से पहले ही प्रदूषण पिछले रिकॉर्ड तोड़ रहा है। शनिवार को AQI 390 दर्ज किया गया। पूरे दिन आसमान में धुंध छाई रही और लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया। आँखों में जलन और सांस लेने में दिक्कतों के कारण लोग सड़क पर मास्क पहने दिखाई दिए। ऐसी स्थिति के कारण ज़िले के अस्पतालों में 29 लोग अस्थमा के अटैक के चिन्हित किए गए। साथ ही साथ आँखों में जलन और खुजली के मरीजों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस प्रदूषण के दौरान आँखों की देखभाल कैसे करें और कैसे अपनी आँखों का ख्याल रखें, देखिए हमारी है स्पेशल रिपोर्ट। सर, जैसे दिल्ली NCR समेत हापुड़ में पॉल्यूशन बढ़ा है तो आँखों के जो रोगी हैं उनकी संख्या भी बढ़ गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं यही बताना चाहता हूँ कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाले कुछ दिनों में ये पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने ही वाला है। तो पॉल्यूशन में जब बाहर जाते हैं तो आँखों में एक अलग तरीके की एलर्जी होती है जो पॉल्यूशन की वजह से डेवलप हो रही है। इसमें आँखों में जलन होना, खुजली होना, आँखों से पानी आना बहुत कॉमन बीमारियाँ हैं। तो मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगा कि थोड़ा सा आई वियर यूज़ करें, ग्लासेस यूज़ करें ताकि आँखों की प्रोटेक्शन हो सके। और जब भी बाहर से घर वापस आ रहे हैं तो आँखों को अच्छे से धोएं और आँखों पे थोड़ी देर के लिए कोई भी ठंडे पानी में कपड़ा डिप करके उसको आँखों पे रख सकते हैं, जो आपको सूदिंग इफेक्ट देगा। और एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आते हैं, बहुत सारे ड्रॉप्स आते हैं जो एक थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी है, बहुत ज़्यादा ईचिंग है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, लाल हो रही है, तो फिर आपने पास के कोई भी आई डॉक्टर को कंसल्ट करें। अपने आप से कोई दवाई यूज़ ना करें, तो अपनी आँखों की बचावट के लिए यही सब मैं सलाह देना चाहूँगा। सर, जैसे दिवाली नज़दीक है, दिवाली पर और भी पॉल्यूशन हो जाता है, तो जैसे मरीज आपके पास आ रहे हैं, क्या समस्या बताते हैं उस वक्त, पहली समस्या क्या बताते हैं सर? देखिए, पहली समस्या इस जो पॉल्यूशन के टाइम है, मोस्टली लोगों को आँखों में खुजली होना और जलन होना बहुत कॉमन कंप्लेन है। दूसरा कॉमन कंप्लेन ये है कि आँखों से पानी आने लगता है। यही सबसे कॉमन कंप्लेंट्स हम लोग सुन रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये मरीज बढ़ेंगे? जब तक पॉल्यूशन का लेवल रहेगा तब तक इस तरह की कंप्लेंट्स लोगों की रहेंगी। और हमें ये तरह की प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए जो मैंने थोड़े से मेजर्स बताए हैं वो हम यूज़ करेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। ठीक है।